पेट्रोल पंप पर शाम लगभग 6:30 बजे का वक्त था। रोज की तरह पेट्रोल भरवाने वालों की लाइन लगी थी, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे अफरा तफरी मच गई। देखिए, पेट्रोल पंप कर्मचारी ने जैसे ही बाइक में पेट्रोल का नोजल इस बाइक की टंकी में डाला, कुछ ही सेकंड्स के बाद आग भभक उठी। दहशत में आकर लोग यहां वहां दौड़े, बाइक सवार तो उतरकर दूर भागा, तो वहीं पेट्रोल डाल रहा कर्मचारी भी पीछे की तरफ दौड़ पड़ा। बाइक की टंकी और आगे का हिस्सा धू धू कर जलने लगे। पेट्रोल पंप के कर्मचारी सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आए और आग पर काबू पा लिया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि अगर आग बढ़ती तो बाकी पेट्रोल पंप को भी अपनी चपेट में ले सकती थी। अजमेर के राजा साइकिल चौराहा स्थित पेट्रोल पंप पर हुए इस हादसे का वीडियो जब वायरल हुआ तो हर किसी के जहन में ये सवाल था कि आखिर आग लगी किस वजह से। ऐसे हादसे पहले भी होते रहे हैं, पर इसकी वजह किसी को समझ नहीं आती। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए जब हमने इंटरनेट को खंगाला तो कई एक्सपर्ट्स की राय मिली। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पेट्रोल भरवाते समय आग लगने के 2 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला कारण, दरअसल पेट्रोल या गैसोलीन ठंडा और परिवर्तनशील पदार्थ होता है। जब तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है तो ये वेपोराइज यानी वाष्पीकृत होकर समान रूप से फैलता है। इस दौरान अगर किसी भी गर्म चीज के संपर्क में ये आ जाए तो उसमें आग लग सकती है। इस वजह से कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं। इसीलिए फ्यूल टैंक को कभी फुल ना कराने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे पेट्रोल बाहर छलकने का खतरा रहता है। दूसरा कारण, कई बार पेट्रोल कर्मचारी की गलती या ओवरफ्लो होकर टैंक से पेट्रोल बाहर गिर जाता है। अगर पेट्रोल की कुछ बूंदें इंजन पर, खासतौर पे पेट्रोल प्लग वाले पार्ट पर अगर गिर जाएं, तो इससे भी आग लग सकती है। इंजन आमतौर पर गर्म रहता है और बाइक अगर स्टार्ट हालत में हो या बाद में स्टार्ट की जाए तो प्लग की चिंगारी से आग लग सकती है। अजमेर के इस पेट्रोल पंप पर आग किस वजह से लगी ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन इस हादसे में आम लोगों के लिए यही सबक है कि पेट्रोल भरवाते समय हमेशा जरूरी सावधानी बरतें और घबराने के बजाय समझदारी से काम लें, जैसा इन पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने किया। NBT ऑनलाइन के लिए अजमेर से नवीन वैष्णव की रिपोर्ट।